बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ ग्रेड 6, हाउ आर यू? आई एम योर साइंस टीचर फ्रॉम सिल्क स्कूल ऑफ टुमारो सिटी कैंपस भलवाल। इट्स साइंस ग्रेड 6। टाइटल ऑफ द चैप्टर इज कंपोनेंट्स ऑफ फूड एंड इट्स आर लेक्चर नंबर 8। डियर स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने वाटर के अबाउट बात की थी, क्या आपको याद है कि हमने क्या क्या बातें की थी? जी हाँ, नंबर 1 हमने ये पढ़ा था कि ऑलमोस्ट 70% ऑफ आर वेट इज कंपोज्ड ऑफ वाटर। वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट इन आर बॉडी। व्हाई? बिकॉज इट्स ट्रांसपोर्ट, ये ट्रांसपोर्ट करता है मुख्तलिफ चीजों को, जिनमें नंबर 1 था फूड वेस्ट को, नंबर 2 मुख्तलिफ किस्म के केमिकल्स को, और नंबर 3 गैसेस को थ्रू आउट द बॉडी, मतलब एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता है। ये कौन करता है? वाटर करता है। और इसके साथ साथ वाटर का एक आम फंक्शन जो है वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर है, कि ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर हमारे फूड को ब्रेक डाउन करने में अपना रोल प्ले करता है। इसके साथ साथ वाटर का जो तीसरा बहुत बड़ा फंक्शन है वो क्या है? वाटर का तीसरा जो फंक्शन है वो ये है कि ये रिमूव करता है वेस्ट को। कौन कौन से वेस्ट हमारे जिस्म से रिमूव करता है? जी हां, नंबर 1 इन द फॉर्म ऑफ स्वेट एंड नंबर 2 इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। ये तीन अहम काम जो है ये वाटर करता है, ट्रांसपोर्ट करता है, नंबर 2 डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर ब्रेक डाउन करता है फूड को, एंड नंबर 3 रिमूव करता है वेस्ट को फ्रॉम द बॉडी। और इतनी अहम वाटर है तो हमें क्या वाटर कितना लेना चाहिए? हम जो फूड खाते हैं उसमें भी पानी मौजूद है, लेकिन 8 to 10 ग्लासेस ऑफ वाटर डेली हमें लाजमी लेना है। और अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हम डिहाइड्रेटेड हो जाएंगे। इसको डिहाइड्रेशन कहा जाता है। एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें पानी की कमी हो जाती है, जिससे मसल क्रैम्प होता है और हमें शदीद किस्म का पेन भी फील होता है। डियर स्टूडेंट्स, आज हमने, कल हमने बॉडी के को वाटर की कितनी जरूरत है ये बात की, आज हमने अपने जिस्म को, हमारे जिस्म को अल्लाह ने जो हमें नेमत दी है इसको फूड के हिसाब से देखना है कि कौन सा फूड कितनी क्वांटिटी में लेना चाहिए। डियर स्टूडेंट्स, हमारा जो जिस्म है इसको न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है, किस क्वांटिटी में? इन स्पेसिफिक क्वांटिटी, मखसूस मकदार में न्यूट्रिएंट्स चाहिए हैं, यानी न्यूट्रिएंट्स ज्यादा भी नहीं होने चाहिए, कम भी नहीं होने चाहिए, एक स्पेसिफिक क्वांटिटी में न्यूट्रिएंट्स हमारे जिस्म को चाहिए होते हैं। जी हां, और जो खुराक हम खाते हैं उसमें न्यूट्रिएंट्स की राइट प्रोपोर्शन नहीं होती है। नो फूड कंटेन ऑल द न्यूट्रिएंट्स। अगर आप में से कोई ये कहता है कि मैं डेली सिर्फ रोटी खाता हूं तो उसमें, मतलब वो सीरियल ले रहा है, तो उसमें तमाम न्यूट्रिएंट्स नहीं होते हैं। इसका मतलब है हमें क्या करना चाहिए? अगर हम चाहते हैं कि हमारा जिस्म सेहतमंद हो तो हमें कॉम्बिनेशन ऑफ फूड लेना चाहिए। यस डियर स्टूडेंट्स, आई एम टॉकिंग अबाउट कॉम्बिनेशन ऑफ फूड्स। यस, तो अगर आप कॉम्बिनेशन ऑफ फूड खाएंगे तो इसको आप कहेंगे कि ये क्या है, ये एक बैलेंस्ड डाइट है। आपको पता है डाइट से क्या? डाइट, द फूड यू ईट डेली इज कॉल्ड एज डाइट, एंड द बैलेंस्ड डाइट इज दैट डाइट विच कंटेन ऑल द न्यूट्रिएंट्स इन राइट अमाउंट। It is called as balanced diet, dear students. मैंने आपको balanced diet की definition भी बता दी है कि balanced diet is that diet which contain all the nutrients in balanced in right amount. Dear students, एक balanced जो diet होती है ये हर बंदे के लिए same नहीं होती है, ये vary करती है।
अकॉर्डिंग टू ऑक्यूपेशन, आप किस पेशे से मुंसलिक हैं। अगर आप लेबर हैं यानी मजदूर काम करते हैं तो आपको ज्यादा अच्छी बैलेंस डाइट चाहिए, लेकिन अगर आप बैठ के करते हैं तो कम चाहिए। एज के हिसाब से बैलेंस डाइट डिफरेंट होगी, हाइट के हिसाब से बैलेंस डाइट जो है वो डिफरेंट होगी, और वेट के हिसाब से बैलेंस डाइट जो है वो डिफरेंट होगी। डियर स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं कि हमारी बॉडी को जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो स्पेसिफिक अमाउंट में चाहिए होते हैं। कोई भी फूड जो है वो तमाम न्यूट्रिएंट्स नहीं रखता है, तो हमें क्या करना चाहिए, वैरायटी ऑफ फूड लेने चाहिए, जिसको कॉम्बिनेशन ऑफ फूड कहते हैं, और वो जो कॉम्बिनेशन ऑफ फूड है वो बैलेंस डाइट कहलाएगा। और डाइट इज द फूड वी ईट डेली, एंड बैलेंस डाइट इज दैट डाइट विच कंटेन ऑल द न्यूट्रिएंट्स इन राइट अमाउंट। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम बैलेंस डाइट नहीं लेते हैं, इफ वी डू नॉट ईट बैलेंस डाइट, फिर क्या होगा, फिर ये होगा कि हमारे जिस्म के अंदर मुख्तलिफ किस्म के न्यूट्रिएंट्स की कमी होती जाएगी और हमें डिजीजेस स्टार्ट हो जाएंगी, जिन डिजीजेस को हम कहते हैं डेफिशिएंसी डिजीजेस। ये लफ्ज दो लफ्जों से मिलकर बना है, नंबर वन इज डेफिशिएंसी जिसका मतलब होता है कमी, और डिजीज जिसका मतलब होता है बीमारी। तो किस चीज की कमी से बीमारी हो जाना, मतलब बैलेंस डाइट की कमी से बीमारी हो जाना। डियर, ये किन को होती है, ये उनको होती है जो बैलेंस्ड डाइट नहीं लेते हैं, उनको ये बीमारी होती है। और ये ऐसा क्यों होता है, इसकी कुछ होती है मिसाल के तौर पर, एक तो है रॉन्ग फूड हैबिट्स होती हैं हमारी। रॉन्ग फूड हैबिट्स में एक तो हम मुकर्रर करदा औकात में खाना नहीं खाते हैं, कभी हम किसी वक्त खाना खा रहे हैं, कभी किसी वक्त खाना खा रहे हैं। हमें चाहिए कि एक अच्छी फूड हैबिट बनाएं। दूसरा, हम पूरा हफ्ता एक ही खुराक खाना शुरू कर देते हैं और उस खुराक के अंदर सब्जियां, उस खुराक के अंदर फ्रूट्स मौजूद नहीं होते हैं। ये रॉन्ग फूड हैबिट्स में आएगा और इसकी वजह से डेफिशिएंसी डिजीजेस होती हैं। दूसरा जो इंपॉर्टेंट है वो क्या होता है, अनहेल्दी मेथड ऑफ कुकिंग की वजह से डेफिशिएंसी डिजीजेस होती हैं। यानी हम क्या करते हैं, हम सवियर किस्म की कुकिंग करते हैं और जिसकी वजह से सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स हम जाया कर देते हैं। हम पहले सब्जियों और फलों को काटते हैं, फिर उनको धोते हैं, न्यूट्रिएंट्स हमारे जाया हो जाते हैं, तो ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और नंबर थ्री, पावर्टी की वजह से हम बैलेंस डाइट नहीं ले पाते, जिसकी वजह से डेफिशिएंसी डिजीजेस होती हैं। डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया डेफिशिएंसी डिजीजेस किनको होती हैं, द पीपल हु डू नॉट ईट बैलेंस्ड डाइट सफर फ्रॉम डेफिशिएंसी डिजीजेस। और ये डेफिशिएंसी डिजीजेस की कुछ वजूहात है, नंबर वन रॉन्ग फूड हैबिट्स है, अनहेल्दी मेथड ऑफ कुकिंग है, और ड्यू टू पॉवर्टी द पीपल डोंट हैव एक्सेस टू बैलेंस्ड डाइट वैरायटी ऑफ फूड, दैट्स व्हाई दे सफर फ्रॉम डेफिशिएंसी डिजीजेस। डियर, नाउ ये एक फूड पायरामिड है जो आपके सामने है, जो शो हो रहा है, और मैं क्यों ना आपको जल्दी से ये बताऊं कि आपकी बैलेंस डाइट क्या होती है। सबसे कम जो हमें चीज खानी है वो ये वाला एरिया है, आपकी खुराक में सिर्फ 5% मौजूद होना चाहिए। इसमें क्या है, इसमें ऑयल है, इसमें घी है, इसके अंदर स्वीट्स हैं, मुख्तलिफ किस्म की कैंडीज हैं, ये सारी सिर्फ 5% होनी चाहिए, और साथ में स्वीट्स हैं और शुगर भी है, ये बहुत कम खाना है। डियर, ये जो एरिया है, ये जो 20% हमने ईट करना है, इसमें मीट है, इसके अंदर चिकन है, चिकन के साथ इसके अंदर एग्स हैं, और साथ में यहां पे मिल्क प्रोडक्ट्स हैं। मिल्क प्रोडक्ट्स में मिल्क है, योगर्ट है, कर्ड है, यानी वो तमाम चीजें इसके अंदर आ जाएंगी। डियर, ये जो एरिया है जो 35% हमने ईट करना है, इसके अंदर दो चीजें हैं, नंबर वन इज वेजिटेबल्स एंड नंबर टू इज फ्रूट्स। ये आपकी डेली खुराक का इतने 35% जो पोर्शन है ये इनका होना चाहिए अगर आप बैलेंस डाइट लेना चाहते हैं। नाउ
द लास्ट वन इज दिस एरिया विच इज 40% हमारी डेली डाइट का होना चाहिए। इसमें क्या है, नंबर वन सीरियल्स है। सीरियल्स हम कहते हैं अनाज को, ये जो आप गंदम जो बाजरा मकई ये सारे सीरियल्स हैं। नंबर टू पे यहाँ पे ब्रेड आप देख रहे हैं वो मौजूद है। नंबर थ्री पे मुख्तलिफ किस्म की जो पल्सेस हैं जिनको आप दालें कहते हैं, ये सारी इस एरिया में है। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये खुराक को इस तनासुब से लेते हैं तो फिर आप सेहतमंद रहेंगे और आपको इंशाल्लाह डेफिशिएंसी डिजीजेस नहीं होंगी। ये बुक का पेज नंबर 17 है जो हमने डेफिशिएंसी डिजीजेस के हवाले से स्टडी किया है। वी आर मूविंग टुवर्ड्स आवर होमवर्क। होमवर्क में जो पहला क्वेश्चन है ये डेफिशिएंसी डिजीजेस टॉपिक है। क्वेश्चन नंबर वन, व्हाट इज बैलेंस्ड डाइट। तो जवाब बड़ा सादा, द डाइट विच कंटेन ऑल द न्यूट्रिएंट्स इन राइट अमाउंट इज कॉल्ड बैलेंस्ड डाइट। ये आपने लिखना है। क्वेश्चन नंबर टू, व्हाट आर डेफिशिएंसी डिजीजेस। डेफिशिएंसी डिजीजेस क्या होती हैं, द पीपल हु डोंट ईट द बैलेंस्ड डाइट सफर फ्रॉम डिफरेंट डिजीजेस कॉल्ड डेफिशिएंसी डिजीजेस। डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच। उम्मीद है कि आज का लेक्चर बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा। डियर स्टूडेंट्स, फूड के हवाले से, बैलेंस्ड डाइट के हवाले से जो इंफॉर्मेशन आपके पास है, आपने उसे अपने पेरेंट्स को, अपने फ्रेंड्स को शेयर करना है। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।